want? Oh, sir. देख के नहीं चल सकती? I'm sorry, करीना मैम. I'm sorry. अरे सृष्टि, सुनो ना, आज तो तुम बहुत खुश लग रही हो. हाँ, मैं तो हमेशा ही खुश रहती हूँ. मैं भी बहुत खुश हूँ. इनफैक्ट यू नो, आज मैं सबसे ज्यादा खुश हूँ. सुनो ना करीना, आज मेरी बेटी शर्लिन की शादी होने वाली है और ये सृष्टि, इसने मुझे अभी तक कांग्रेट्स भी नहीं किया. What's wrong with you, Sanjana? क्यों इसे इतनी इंपॉर्टेंस दे रही हो? ये मिडिल क्लास लड़की तुम्हें कॉन्ग्रेचुलेट करे या ना करे, क्या फर्क पड़ता है? फर्क तो बहुत पड़ता है, तभी तो कह रही हूँ. आज मेरी बेटी शर्लिन की शादी ऋषभ लूथरा के साथ होने जा रही है. सो सृष्टि, तुम मुझे कॉन्ग्रेट्स नहीं करोगी? ऑफ कोर्स आंटी, करूंगी ना मैं आपको कॉन्ग्रेट्स, लेकिन अभी नहीं. अभी जितनी भी कॉन्ग्रेचुलेशंस है मैंने अपने अंदर भर के रखी है. जैसी शादी हो जाती है फिर दिल खोलकर आपको कॉन्ग्रेचुलेट करूंगी. दैट्स लाइक अ गुड गर्ल. थैंक यू आंटी. एक्सक्यूज मी मैम. व्हाट्स रॉन्ग विद यू संजना? इसे इतना प्यार से बात करने की कोई जरूरत नहीं और इसे इतना इंपॉर्टेंस देने की भी कोई जरूरत नहीं. यू नो, पहले ये दोनों लड़कियां ना जब मेरे घर आती थी तो मुझे बहुत गुस्सा आता था, लेकिन अब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि ये दोनों मिडिल क्लास लड़कियां मेरे लिए कोई मायने ही नहीं रखती. ये दोनों यहाँ रहे या ना रहे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि ये दोनों बहनें मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है. एक्चुअली यू आर राइट. एनीवे, छोड़ो इन दोनों को. शादी का मुहूर्त हो रहा है एंड डोंट वरी, ये शादी होकर रहेगी. ओके, कम विद मी. ये गिल्ली डंडा प्लेयर यहां क्या कर रहा है? मंडप में पंडित के पास क्या कर रहा है? अब इसके दिमाग में क्या खुराफा चल रही है? क्या क्या करने के वाला है? आपको कुछ कहना है? नहीं पंडित जी, कुछ देना है. दक्षिणा. दक्षिणा तो शादी के बाद दी जाती है. ये शादी से पहले वाली है. वो मैं चाहता हूँ कि आप मुहूर्त को थोड़ा आगे बढ़ा दें. मगर मुहूर्त का समय तो हो गया है, अब दुल्हा और दुल्हन को मंडप में आने का भी समय हो गया है. काफी इंटेलिजेंट है आप, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप दुल्हा और दुल्हन को अभी मंडप में ना बुलाएं, कुछ देर बाद बुलाएं. अगर आपने ऐसा किया ना तो मैं आपके साथ सेल्फी खिंचवाऊंगा. अच्छा, तो आप फिर हमारे घर भी आ जाइए. हमारी पड़ोसन पे हमारा राव हो जाएगा, उसे मालूम पड़ जाएगा कि आप हमारे घर आए हैं. लेकिन आप आएंगे ना? मौके पे चौका मारे पंडित जी. चलिए आप मेरा काम कर दीजिए, मैं आ जाऊंगा. जी जी. पंडित जी, मुहूर्त का समय हो रहा है. नहीं नहीं, मुहूर्त थोड़ा आगे बढ़ गया है. ग्रह नक्षत्र कुछ ठीक नहीं है, इसीलिए मुहूर्त थोड़ी देर बाद का है. अब कौन से ग्रह नक्षत्र? मैं भी पूजा कर रहा हूँ, थोड़ी देर में आपको हम ग्रह नक्षत्र के चाल के बारे में बता देंगे. ये प्रीत अभी तक आई क्यों नहीं? कहाँ रह गई यार? अभी तक तो आ जाना चाहिए था. मैं कब से शर्लिन का पर्दाफाश करने की कोशिश कर रही थी, अब हो जाएगा. अरे क्या हुआ, ऑटो रोक क्यों दिया? मैडम कहा था ना कुछ टाइम पहले, ऑटो का ब्रेक टूट गया था, तो कभी कभी बंद पड़ जाती है और स्टार्ट होने में टाइम लगता है. भैया टाइम ही तो नहीं है मेरे पास, कैसी बातें कर रहे हो? तो मैडम आप दूसरा ऑटो पकड़ लीजिए. हाँ दुखती, कमाल है. ये सब ऑटो तो भागते हैं, ना कोई ऑटो दिख रहा है ना कोई गाड़ी दिख रही है. मैं जाऊं तो जाऊं कैसे? जिस दिन कहीं जाने की जल्दी होती है ना उसी दिन ये सब मुसीबतें पड़ती हैं. ओह गॉड, अगर मैं टाइम पर नहीं पहुंची तो शर्लिन एक बार फिर जीत जाएगी और ऋषभ जी की शादी शर्लिन से हो जाए. नेवर, ऐसा तो मैं कभी नहीं होने दूंगी, कभी नहीं.
थोड़ा पिक द फोन यार। यार ये प्रीता फोन क्यों नहीं उठा रही, और अब तक आई क्यों नहीं यार, कहाँ रह गई? करण बेटा। जी। अरे ऐसे क्यों वीडियो बना रहे हो? क्यों मतलब? करण भाई ने मुझे पृथ्वी पर नजर रखने के लिए बोला है, पूरी पार्टी में उसकी वीडियो रिकॉर्ड करूंगा, कहाँ जाता है क्या करता है सब कुछ रिकॉर्ड करूंगा, फिर जो मेरा मोबाइल का कैमरा ना उसको कॉन्स्टेंटली फॉलो करेगा, बचेगा नहीं मुझे। अरे तो तुम क्या फिर ऐसे मोबाइल लेके शुरू हो जाओगे क्या उसकी रिकॉर्डिंग करने के लिए? यार लोग देखेंगे यार कि तुम उसकी रिकॉर्डिंग कर रहे हो, ऐसे मत रिकॉर्ड करो। तो कैसे करूं? अब जैसे जैसे ये तुम्हारा फोन है ठीक है, उसको ऐसे हाथ में लो, एक्टिंग करो कि तुम गेम खेल रहे हो, कोई गेम खेल रहे हो, और ये जो अपने थम्स है ना इसके मूवमेंट रखना ताकि लोगों को लगे कि हाँ एक्चुअली गेम खेल रहा है ये बंदा, ओके? और जो अपना कैमरा है ना वो टारगेट पे सेट एकदम सेट रखना, और अगर तुम्हें आजू बाजू आस पास देखना है तो कैमरे के थ्रू देखना है ऐसे, ताकि लोगों को लगे कि तुम यू नो यू आर प्लेइंग गेम और समथिंग। क्या बात है यार, क्या दिमाग है तुम्हारा लम्बू। मैं तो हमेशा कहती रहती हूँ कि मुझसे कुछ सीख लो, स्मार्ट बन जाओगे। ठीक है कह रही, सब छोड़ो, तुम रिकॉर्ड कर रहे हो ना, तुम अपने फ़ोन से नज़र रखना, मैं अपनी आंखों से नजर रखूंगी। मुझ पे? अरे नहीं, पे। आते हो? पंडित जी, मैंने अभी अभी अपने गुरुजी से बात की है, वो तो कह रहे हैं कि शादी का मुहूर्त हो गया है। नहीं नहीं, अभी थोड़ा वक्त है। नहीं पंडित जी, मैंने भी अपने गुरुजी से अभी अभी बात की, वो भी कह रहे हैं वक्त हो गया है, कोई ग्रह नक्षत्र कुछ प्रॉब्लम ही नहीं किसी में, आप शायद गलत देख रहे हैं, एक बार फिर से देखिए। संजना, मैं शर्लिन को लेके आती हूँ। ओह नो, अब कैसे रुकूं ये सब? अरे रे, कहाँ जा रहा है बेटा, इतना भागता हूँ? डैड मुझे बहुत इंपॉर्टेंट काम है, मैं अभी आता हूँ। इतना हड़बड़ा के कहाँ जा रहा है, बताएगा मुझे? अरे डैड मुझे इंपॉर्टेंट काम है, मैं आपको बाद में बताता हूँ। तो पूछ रहा इंपॉर्टेंट काम क्या है? डैड मुझे अभी जाने दीजिए, मुझे इंपॉर्टेंट काम है अभी, मुझे देर हो रही, प्लीज। ये गिल्ली डंडा प्लेयर इतनी हड़बड़ी में क्यों है? इसके चेहरे का तो अचानक रंग ही उड़ गया जो ऐसे हवा में उड़ता जा रहा है। एनीवेज, उड़ने दो उसे, मुझे क्या, मुझे तो ये सब देख के बहुत मजा आ रहा है। अरे मेरी बेबी की शादी जो हो रही है, आई एम वेरी हैप्पी। मैनू की फर्क पैंदा है? मेरा ना दिमाग खराब हो रहा है, ये शादी किसी भी तरीके से रोकनी है, कुछ भी करके ये मुहूर्त आगे बढ़ाना है। पर भाई ये होगा कैसे? यही तो मैं तुझसे पूछ रहा हूँ, तू कुछ कर, कुछ भी हो जाए ये शादी नहीं होने देनी, ये मुहूर्त आगे बढ़ाना पड़ेगा, चाहे उसके लिए मुझे मंडप में आग ही क्यों ना लगानी पड़े। ब्रिलियंट आइडिया, मंडप में आग ही लगा देते हैं, शादी डिले हो जाएगी। नहीं वैसे इतना अच्छा आइडिया भी नहीं है यार, एक काम करता हूँ, मैं भाई के पास जाके बात करता हूँ, उससे बोलता हूँ एक बार कि शादी से बैकआउट कर ले, भाई मान गया तो ठीक है, वरना मंडप में आग ही लगा देंगे। अरे करण भाई, भाई ये करण भाई को हुआ क्या? ये सिचुएशन को हैंडल करना बहुत मुश्किल हो रहा है, कैसे हैंडल करूं, कैसे हैंडल करूं? प्रीता यार तुम कहां हो यार? शर्लिन की शादी ऋषभ जी से तो बिल्कुल नहीं होने दूंगी मैं, कभी भी नहीं। बस एक मिनट लगेगा, एक मिनट, शर्लिन का सच सबके सामने आ जाएगा। क्या वो टेंशन में लग रहा तू? नहीं पक्का? आई एम ओके, आई एम ओके बाबा। इधर देख मेरी तरफ, क्या हुआ, क्या हुआ, तू मुझसे छुपा रहा? पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है कि छूट रहा है कुछ, करण अगर ये छूट गया ना
फिर जिंदगी में कभी दोबारा नहीं मिल पाएगा। अभी जो अपना है ना, ऐसे फील आ रही है जैसे वो पराया हो जाएगा। मुझे यहाँ भेजा गया था तुझे इस मंडप में ले जाने के लिए, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर तू उस मंडप में जाएगा तो गलत होगा, बहुत गलत। समझा? कुछ नहीं, शायद शादी से पहले जो एंजाइटी होती है ना वो हो रही है। मुझे नहीं लगता ये एंजाइटी है, मुझे लगता है कि तू ये सब इसलिए फील कर रहा है क्योंकि तू श्योर नहीं है कि तुझे शर्लिन के साथ शादी करनी है कि नहीं। तेरा भाई तेरे सामने दूल्हा बन के खड़ा है, थोड़ी देर में तू मुझे नीचे ले जाएगा, मेरी शादी हो जाएगी, तो ऑब्वियसली मैं श्योर हूँ कि मेरी शादी होने जा रही है। लेकिन मैं तो शादी की बात ही नहीं कर रहा, मैं तो होने वाली दुल्हन की बात कर रहा हूँ, शर्लिन की बात। तू श्योर नहीं कि तुझे शर्लिन के साथ शादी करनी चाहिए कि नहीं? अब इन सब बातों का क्या फायदा, चल लेट्स गो। एक बात बता, तूने मुझे बताया नहीं कि तू किस लड़की से प्यार करता था या है, मतलब यू नेवर टोल्ड मी। तूने कभी नाम नहीं बताया मुझे, बता। नहीं बता सकता, अब वो किसी और की अमानत लगाई हुई है उसकी। प्रीता, प्रीता को पता है उस दोस्त का नाम? बोल। दोस्त को दोस्त ही रहने दे। ये मेरे क्वेश्चन का आंसर नहीं हुआ, प्रीता को पता है उसका नाम? उनको बताना भी नहीं चाहता। तुझे मेरे दिल की कसम है, मुझे एक बात बता, तू मुझसे प्यार करता है? अपने आप से भी ज्यादा। तो मुझे उस लड़की का नाम बता दे। ऋषभ, मैं तुझसे प्रॉमिस करता हूँ, सगाई हो गई होगी ना उसकी, तो सगाई तोड़वा के तेरे सामने लेकर आऊंगा उसको। शादी भी हो गई होगी ना, शादी भी तोड़ के डिवोर्स करवा के यहाँ तेरे लिए तेरे सामने लाकर खड़ा कर दूंगा, क्योंकि तेरी खुशी से बढ़कर मेरे लिए कुछ नहीं है, समझा? बता, नाम क्या उसका? काश इतना आसान होता। हो सकता है, नाम दी करण लूथरा। बता, नाम बता। क्या रखा है नाम में? नाम में ही सब कुछ रखा है, नाम बता उसका। कोई फायदा नहीं, छोड़ छोड़। सब फायदा है, नाम बता। करण मेरी, नाम करण मेरी, नहीं माने। उसका नाम है करण। तब तुम लोगों ने राखी जी को देखा? मैं अभी आया, वो नए कोच का फोन आ रहा है, वन सेकंड। करण भाई का ना दिमाग खराब हो गया। करण सर मेरे फेवरेट है, उनके बारे में ऐसा बोलना नहीं, पहले बता रही हूँ। ठीक है नहीं बोलूंगा, तुम पहले ये बताओ कि प्रीता कब आ रही है। क्यों, तुम्हें इसी मंडप में करण सर और प्रीता दी की शादी करवानी है? मंडप रहेगा तो शादी होगी ना। मतलब पता नहीं करण भाई को क्या हुआ है, थोड़ी चिड़चिड़े से हो रहे हैं, कह रहे शादी रुकवाने के लिए मंडप को भी जला सकते हैं। बताओ यार, क्या आइडिया है, सुपर। ये मेरे दिमाग में क्यों नहीं आया? तुम्हारा भी दिमाग खराब हो गया क्या? नहीं, करण सर और मेरा दिमाग तो अभी चलने लगा है, दिमाग तो तुम्हारा खराब हुआ है, क्योंकि तुम्हें सबके दिमाग खराब लग रहे हैं। वो कहते हैं ना, सावन के अंधे को सब कुछ हरा हरा ही दिखता है। अच्छा, मैं कभी कभी क्या सोचता हूँ, क्या, कि मुझे तुम जैसी लड़की से प्यार हुआ कैसे? क्योंकि मैं थोड़ी क्रैक हूँ ना। थोड़ी क्रैक? ये मंडप को देख के मुस्कुरा क्यों रहा? सैमी, मैं अभी आई। सिस्टर इन लॉ, करेक्ट टाइमिंग। अगर तुम यहां पर हो तो वो कहां पर है? कौन? तुम्हारी बहन
मेरी घरवाली, मेरी होने वाली दुल्हन अपने लिए दूल्हा ढूंढने गई है। आपको पता है पृथ्वी जी, आप कैसे हंसते हो? बिल्कुल वैसे जैसे अंडे में से मुर्गी के दो पैर निकले, बिल्कुल वैसे, डिट्टो, सेम टू सेम। वैसे मैंने देखा कि आप मंडप की तरफ देखकर हंसे जा रहे थे, लाइक आई वांट टू आस्क, ऐसा क्या दिख गया आपको मंडप में कि आपके चेहरे पे इतनी हंसी आ गई? मैं यहाँ खड़े खड़े खुद को देख रहा था, पता है किसके साथ? तुम्हारी बहन के साथ। दिन में सपना देख रहा था खुली आंखों के साथ कि मैं और तुम्हारी बहन मंडप में साथ फेरे ले। सपने में ना? फिर ठीक है। वैसे मैं तो चाहती हूँ कि आपने जो व्यू देखा है ना सपने में, वो व्यू मैं जिंदगी में कभी ना देखूं। और मैं चाहता हूँ कि आज के बाद मैं तुम्हें कभी ना देखूं। देखो सृष्टि, मैं जानता हूँ कि तुम मुझे पसंद नहीं करती, और अगर तुम नहीं जानती तो आज जान लो मैं भी तुम्हें बिल्कुल पसंद नहीं करता। हम दोनों की अपनी अपनी पसंद है, अपनी अपनी चॉइस है, जबरदस्ती एक दूसरे को पसंद नहीं करा सकते ना। वैसे मैं जानता हूं तुम्हारी चॉइस कौन है, तुम किसको पसंद करती हो? वो मुन्ना सैम को तुम उसे पसंद करती हो? मैं उसे बिल्कुल नहीं पसंद करता। और मैं किसे पसंद करता हूँ ये मुझे तुम्हें बताने की जरूरत ही नहीं है। मैंने आपको आपकी पसंद के बारे में पूछा क्या? नहीं ना। तो प्लीज मेरी पसंद के बारे में कुछ बोलना भी मत, वरना मेरा दिमाग खराब हो जाएगा। अब आया ना ऊंट पहाड़ के नीचे, जब मैंने तुम्हारी पसंद के बारे में कुछ बोला तुम्हारा दिमाग खराब हो गया। उसी तरह कोई मेरी पसंद के बारे में कुछ बोलता है ना तो मेरा भी दिमाग खराब होता है। तो आज के बाद हम दोनों एक चीज डिसाइड कर लेते हैं, ना तुम मेरी पसंद के बारे में कुछ बोलोगी और ना मैं तुम्हारी पसंद के बारे में कुछ बोलूंगा। ओके My not so lovable sister-in-law. Cool. You're corrupt. Sorry, slip of tongue. I mean you're correct. ये corrupt को correct ना किसी और को करना पृथ्वी मल्होत्रा को सब सुनाई देता और समझ में भी आता है। करीना, शर्लिन कहाँ है? अरे वो रेडी हो रही है, उसने कहा उसे टाइम लगेगा तैयार होने में। Don't worry, आज उसका दिन है, जितना टाइम लगाना है लगाने तो। अरे दुल्हन की छोड़ो, दूल्हे की माँ यानी कि मेरी भाभी अब तक रेडी हो रही है, देखो ना यहाँ नीचे भी नहीं आई। ये करण का फोन क्यों बिजी आ रहा है? इसका फोन क्यों बिजी आ रहा है यार, किससे बात कर रही है लड़की? हाथ धोती, फोन लग नहीं रहा है। कोई बात नहीं, आसपास ही होगा, अपनी आंखों से रिपोर्ट देखेगा तो ज्यादा खुश होगा। एक्सक्यूज मी, तुम्हारे इस एनवलप में क्या है? शगुन है ऋषभ जी के लिए। सिर्फ ऋषभ जी के लिए? मुझे तो लगा कि शगुन कपल्स के लिए होता है। ठीक लगा तुमने, होता तो कपल्स के लिए, लेकिन मैं सिर्फ अपने दोस्त ऋषभ जी के लिए लाई हूं। ओ, ये पैसा वाला शगुन है? पैसा वाला है या वैसा वाला है, तुम तो मुझसे ऐसे पूछ रही हो जैसे तुम मेरी बचपन की सहेली हो, मेरी बेस्ट फ्रेंड, या फिर मेरी फ्रेंड, या फिर मुझे तुम अच्छी लगती हो। इनमें से कुछ भी सच नहीं तो फिर मैं तुम्हें क्यों बताऊं? बस इतना कह सकती हूँ कि ये एक सीक्रेट जो मैं तुम्हें नहीं बताऊंगी। मैं बता देती हूँ, इसमें मेरी प्रेगनेंसी रिपोर्ट है। इसमें ये लिखा है कि मैं 3 महीने प्रेग्नेंट हूं, राइट?